गुड मॉर्निंग माय ऑल यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो आज संडे है, संडे का सुबह से मैं अपने बेड क्लीनिंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और सुबह सबसे पहले हम लोगों का यही काम होता है सो के उठने के बाद बेड को क्लीन करना, क्योंकि बेड जब तक क्लीन नहीं रहता है तब तक अच्छा भी नहीं लगता है कोई भी काम करने में। तो अभी मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है, वो मार्केट गया है मछली लेने के लिए, और मेरा बाबू तो घर में नहीं है, आप सबको पता है। तो जब तक वो मछली लेके आते हैं तब तक मैं चाय बना के पी लेती हूँ, और अभी चाय बना के पीती हूँ, उसके बाद फिर वो आएगा तो फिर आप सबसे बात करती हूँ। चाय पीना था जाइए। पूजा माछ ठंडा तो अभी मैं अपने किचन में हूँ और चाउमीन बनाने के लिए आई हूँ, क्योंकि नाश्ते में चाउमीन बनेगा। और आप सब सोच रहे होंगे मैं चाय बना के पी ली हूँ, अपने हस्बैंड को नहीं दिया, क्योंकि गाइस वो चाय पीता नहीं है। और पहली बात है वो सुबह चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं करता है, कभी कभार पीते हैं लेकिन आज नहीं पिएगा बोल रहा था। और मैं और मेरा बाबू दोनों ही चाय पीती हूँ और वो कभी नहीं पीता है, तो इसीलिए उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। अभी तो दोनों ही हूँ तो दोनों के लिए नाश्ता बना रही हूँ, चाउमीन नाश्ते में है। बोल रहा था साथ में खाने के लिए, तो मैंने बोला अभी मेरे को पूजा भी करना है, मैं नहीं खाऊंगी, आप खा लो, खा के अपने काम पे चले जाओ। अभी अमरुद तोड़ने जा रहे हो, क्या बोलते हैं इसको, सतीश बीही या फिर अमरुद? अमरुद भी बोल सकते हो? अच्छा से बोल दो तो। अमरुद दोनों होता है? हाँ मेरे को पता नहीं है तो इसको पूछ रही हूँ क्या बोलते हैं। तो देखिए दिखा रही हूँ, बहुत सारा फला है ये देखिए, धूप की वजह से पता नहीं चलेगा लेकिन थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ये वाला पका हुआ है। तो कहाँ रहता है सतीश बता देता हूँ? मैं यहाँ रहता हूँ, और कहाँ रहता हूँ? ये मेरे बगल में ही रहता है, तो अभी आया है, मेरा बाबू नहीं है घर में, वो वृंदावन गया हुआ है तो इसीलिए आया है, मैं अकेली रहती हूँ इसीलिए। और देखिए अभी इसको तोड़ेंगे, चल बहुत सारा है तोड़ के दिखाती हूँ। देखिएगा इस बहुत सारा तोरी हुई, देखिए बहुत सारा है। फिर से मैं अपना किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अभी नाश्ता बनाई थी तो बर्तन भी है, नाश्ता बना रही थी तो कुछ बर्तन हुआ, उसके बाद फिर गैस में भी गिरा है तो उसको भी क्लीन करना है। हम औरतों का क्या है, जब भी मतलब दिन भर तो किचन में ही आधा से ज़्यादा टाइम बीत जाते हैं, तो अपना बेडरूम में कितना टाइम रहते हैं। तो अभी किचन मतलब क्लीन कर रही हूँ, सुबह एक बार की थी, फिर उसके बाद नाश्ता बनाई, उसके बाद फिर अभी क्लीन कर रही, फिर खाना बनाऊँगी, फिर क्लीन करूँगी, फिर मतलब वही दिन भर हम लोग का यही चलते रहता है, आधा से ज़्यादा टाइम तो किचन में ही बीत जाता है। देखिए रात को आलू लेकर आया था, आलू ख़त्म हो गया था, तो इसमें बहुत साइड चिल्लर नहीं था तो मिर्चा ना धनिया मिर्चा दोनों लिया था, तो इसको टोकरी में मैं डाल लेती हूँ। पूरा आलू ख़त्म हो गया है, देखिए बीत करने गई थी तो मेरा यहाँ पे ना चोट लग गया है, इसी वजह से मैं टेप से ऐसे कवर की हूँ, तो मेरे को नहीं तो फिर मैं कुछ काम कर जा रही थी ना, चोट पे ज़्यादा लग जा रहा था, दर्द हो रहा था, तो इसको ऐसे दबा के रखी हुई सेलोटेप से, ताकि कोई काम करूँगी तो फिर चोट वाली जगह पे ना लगे। तो
गाइस मेरा सारा किचन का काम कंप्लीट हो चुका है। अभी जो मछली लाए हैं बनाने के लिए खाने में, तो उसी को अभी साफ सफाई कर लूँगी। मतलब ऐसे साफ सफाई तो करके देते हैं, थोड़ा सा धो के उसको रख दूँगी, उसके बाद फिर कपड़ा वपड़ा धो के फिर नहा धो के तैयार होंगी, क्योंकि मछली मतलब नहाने के बाद मछली धोने से थोड़ा सा अजीब सा महक आता है, इसी वजह से नहा लूँगी, नहाने से पहले ही धोना पड़ेगा। तो क्या मछली लाया है दिखाती हूँ, एक प्लेट ले लेती हूँ उसमें डाल के दिखाऊँगी। तो प्लेट में डाल लेती हूँ। हाँ क्या हुआ, कौन? अच्छा हाँ, तो क्या लेगी, कुछ पैसा लेगा, पैसा लेगी या फिर चावल लेगी, क्या लेगी? पूछ ले फिर मैं दे देती हूँ। ओ बाहर में गेट पे, बाहर गेट पे कोई आई है, और वो जो क्या बोलते हैं जंगल से ना सांप पकड़ के लाई है, जो टोकरी में सांप नहीं लाते हैं उसी को लाई है, अब उसके लिए कुछ मांग रही है। अब बताइए क्या दूँ। एक मिनट में पैसा दे देती हूँ। तो मैंने 10 रुपया दिया है, 60 रुपया मांग रही थी। अब बताइए वो टोकरी में सांप लाएगी फिर उसको दिखाने के लिए 60 रुपया मांगा जाता है, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ गलती मेरा है, मैंने पूछने के लिए बोला, क्योंकि मुझे नहीं पता है क्या देना रहता है, क्योंकि सांप लेके आए हैं, अब उसको क्या दे सकते हैं, अब चावल दे या पैसा दे मुझे नहीं पता है, इसीलिए मैंने पूछा था, पूछने के लिए बोला था कि जा पूछ ले करके, लेकिन पूछा है तो बोल रहा है कि 60 रुपया चाहिए। तो मैंने 10 रुपया दिया है कि इसी से अगर इसको लेना है तो लीजिए, नहीं तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि सांप दिखाने के लिए भी कोई 60 रुपया थोड़ी मांगते हैं, और मैं तो देखी भी नहीं हूँ सांप, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैंने 10 रुपया दे दिया है। अब लेके तो चली गई है, कुछ बोली भी नहीं है, मतलब कुछ भी। तो चलिए मछली दिखाते हैं। मछली तो दिखाई हुआ, इसी को आज खाने में बनेगा मूंगा का सब्जी और मछली का सब्जी बनेगा, ये दोनों ही चीज़ बनेगा, और कुछ नहीं बनाऊंगी आज। और अभी इसको धो लेती हूँ। चावल चढ़ा दी हूँ और मछली फ्राई हो रहा है, और मेरे को अभी बहुत तेज़ भूख लगा है, अभी 1:15 बाकी है, अभी खाना कुछ भी मतलब बना नहीं है, यहाँ नहा के फिर वहाँ गई थी पूजा वूजा करके, वहाँ से फिर आई हूँ यहाँ पे, फिर पूजा की हुई, ऐसे करते करते मेरे को लेट हो गया, और मेरे को बहुत तेज़ भूख लगा है, तो मैं अभी ये ब्रेड को खा के फिलहाल भूख को थोड़ा सा कम करती हूँ, उसके बाद आज रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, 1:15 है, 1:15 बाकी है, और अभी 1:30 वो खाना खाने आ जाएगा मेरे हस्बैंड, और मैं वीडियो बनाऊँगी तो फिर लेट हो जाएगा, तो मैं खाना पीना बना के फिर मिलती हूँ, तब इसको भी खा लेती हूँ। एक डॉगी को बोली थी खाना दूंगी आ जाना, अभी आ गया है, देखिए देखो ये इसको बोली थी खाना दूंगी आ जाना, दवा मुझे पता चल गया है मैं खाना दूंगी अभी।